और राइट गाइस, GTX 1650 ग्राफिक्स बिल्कुल पुराना सा हो चुका है यार, और मिड रेंज में RTX सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। सो टुडे वी हैव HP Victus सीरीज विद RTX 2050 ग्राफिक्स, तो खोल ले इसका भी डब्बा। सबसे पहले आ जाता है हमारा HP Victus लैपटॉप, एक सेटअप इंस्ट्रक्शन, 150 वॉट का AC एडाप्टर विद पावर कॉर्ड। सो दोस्तों, ये है HP Victus 15 FB1001AX। HP वाले बोल रहे हैं सिल्वर कलर का लैपटॉप है, लेकिन ये तो बिल्कुल मिडनाइट मैट ब्लैक लग रहा है यार। आप लोग बताइएगा आपको क्या दिख रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सो देख लेते हैं लैपटॉप का तकनीकी विवरण। यहाँ पर आपको AMD का लेटेस्ट राइजन 57535HS प्रोसेसर दिया गया है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड। और मैं नामकरण में जाऊँ तो HS सीरीज प्रोसेसर का मतलब होता है हायर परफॉर्मेंस विद वेगा ग्राफिक्स। बाकी यार, इसका परफॉर्मेंस राइजन 5 6600S से थोड़ा ही ज्यादा है, क्योंकि 50 MHz का एक्स्ट्रा क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया गया है। यहाँ पर 8GB DDR5 4800MHz का RAM दिया गया है, विच इज अपग्रेडेबल अप टू 16GB, 512GB Gen 4 SSD है, विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल अप टू 1TB। बाकी SSD का रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। और सबसे अनोखा चीज, यहाँ पर RTX 2050 ग्राफिक्स दिया गया है विद 4GB ऑफ VRAM एंड 50W TGP। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, दिस लैपटॉप है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पर MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफटाइम लाइसेंस दिया गया है, विंडोज 11 का OS है, एंड HP Women Gaming Hub को भी सॉफ्टवेयर दिया गया है। वहां से आप सिस्टम वाइटल्स, नेटवर्क बूस्टर एंड परफॉर्मेंस कंट्रोल देख पाएंगे, एंड थ्रू परफॉर्मेंस कंट्रोल आप डिफरेंट मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक इको, क्वाइट एंड डिफॉल्ट। एंड अच्छी बात, आप फैन स्पीड भी कस्टमाइज कर पाएंगे फ्रॉम द ऑटो टू मैक्स, मतलब पंखे फाड़ गेमिंग। सो देख लेते हैं यार ये लैपटॉप का बनावट और सुंदरता, यानी कि बिल्ड एंड डिजाइन। देखो, ये लैपटॉप ना PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, एंड आपको थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट देखने को मिल सकता है। सेंटर Victus की ब्रांडिंग दी गई है बिल्कुल चमकता हुआ, एंड यहाँ पर भी Victus का इंग्रेविंग दिया गया है। टॉप लेफ्ट फ्लक्स एंड कीबोर्ड फ्लक्स थोड़ा बहुत रहता है इन HP Victus सीरीज, एंड बैक पैनल पे नजर मारे तो बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स देखे हैं, ताकि आपका लैपटॉप बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा ले सके, और लेगा तो छोड़ेगा भी भाई, तो यहाँ पर आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर 2W का 2 डाउन फायरिंग स्पीकर दिया गया विद द बैंग एंड ओलुफसन ऑडियो फॉर प्रीमियम ब्रांड। दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद WD-40 स्पेशलिस्ट कॉन्टैक्ट क्लीनर। और वजन नापे तो 2.29 किलोग्राम का लैपटॉप आता है, हैंडी बोल सकता हूँ यार, क्योंकि 2.5 किलो से कम है ना भाई। बाकी लैपटॉप का हिंज काफी ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ है, 135 डिग्री का हिंज आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन वॉबलिंग कम देखने को मिलता है इन HP Victus 15 सीरीज एज कम्पेयरिंग विद 16 सीरीज। दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ HP Victus 15, बिल्कुल सेम ही यार एज कम्पेयरिंग विद प्रीवियस सीरीज। और ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये कोई स्पीकर वगैरह नहीं है, खाली डिजाइन ही है। यहाँ पर बिल्कुल थिन बेजल्स दिए गए हैं, एंड ओवरऑल लुक एंड फील काफी ज्यादा मिनिमल है HP Victus सीरीज का। एंड स्टिकर्स की भी कोई कमी नहीं यार, AMD Ryzen 7000 सीरीज का स्टिकर, RTX सीरीज का स्टिकर, बाकी भाई फुल साइज बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है। ओवरऑल की ट्रबल्स काफी ज्यादा अच्छा है, एंड टैक्टाइल फीडबैक के साथ कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग एंड अपने सारे वर्क करके देखे, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज जस्ट फैंटास्टिक। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड में जो कीज है, उसमें जो फॉन्ट यूज किया गया है, वो बिल्कुल गेमिंग लुक आपके लैपटॉप को प्रोवाइड करता है। एंड ट्रैकपैड का साइज डिसेंट है यार, फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड है, एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। और हाँ, गेमिंग लैपटॉप है तो कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह नहीं रहता। वन इशू इन HP Victus सीरीज दैट जब आप लैपटॉप को ऐसा पकड़ते हैं तो ये वाला पोर्शन ओपन हो जाता है, सो ऑलवेज कैरी द लैपटॉप इन दैट वे। एक नजर लैपटॉप के पोर्ट्स में, एक DC, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे, एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, एक 3.5mm का हेडफोन / माइक्रोफोन कॉम्बो जैक, एक SD कार्ड स्लॉट, एक HDMI 2.1, अगेन एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट विद 5G/s डेटा ट्रांसफर रेट, एक RJ45 पोर्ट, दैट्स ग्रेट थिंग यार, एंड एक USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट, 5G/s का डेटा ट्रांसफर रेट है। एंड अच्छी बात, इससे आप डिस्प्ले भी कनेक्ट कर पाएंगे, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 सपोर्टेबल है। एंड HP एक ऐसा ब्रांड है जो अपने गेमिंग लैपटॉप में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, ब्राइटनेस भी डिसेंट है, दैट इज 250 nits, एंड 45% anti-aliasing का कलर गैमेट है। और ये गेमिंग लैपटॉप है भाई, तो यहाँ पर 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया फॉर द अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस। और IPS पैनल के कलर्स ना एकदम टॉप नॉच रहते हैं, वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, एंड कोई भी कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। और आप मूवीज वगैरह देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग ही रहता है भाई साहब। काफी क्रिस्प एंड क्लियर आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बैंग एंड ओलुफसन का ऑडियो है, सो आप म्यूजिक लिसन करेंगे, मूवीज देखेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज द वेबकैम क्वालिटी ऑफ HP Victus, 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है, बट प्राइवेसी सेटर मिसिंग है।
पर अच्छी बात यहाँ पर एक एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलता है जहां से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। सो इट्स टाइम फॉर शक्ति प्रदर्शन ऑफ दिस एचपी विक्टस 15, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है एएमडी का राइजन 5 7535HS। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1414 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9369। अगर मैं राइजन 5 6600S से कंपेयर करूं तो आपको 5-10% ही ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। गीगबेंच 6 में 1852 का सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला 6554। वही ओपन सेल स्कोर निकल के आया 46586 और 3D Mark 10 में 4086 स्कोर देखने को मिला, दैट इज डिसेंट एज पर RTX 2050 ग्राफिक्स विद 50W TGP। और दोस्तों PC Mark 10 का स्कोर आपके सामने ही यार, एज पर PC Mark 10 अगर आपके लैपटॉप में 5000 से ज्यादा स्कोर आता है, दैट मीन्स योर लैपटॉप इज कैपेबल फॉर ऑल द मल्टीटास्किंग वर्क। बाकी लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, आराम से आप फुल HD लेवल का बटर स्मूथ वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे यार। एंड हाँ, आप 16GB रैम में अपग्रेड कर लेंगे ना तो 4K एडिटिंग भी 2-3 लेयर वाला आराम से कर पाएंगे, क्योंकि RTX सीरीज का GPU है भाई। एंड आराम से यहाँ पर फोटोशॉप, ऑटोकैड, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड जितने भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट वाले टास्क हैं इजिली ये लैपटॉप में कर पाएंगे यार। एंड जितने भी मल्टीटास्किंग वर्क है लाइक कोडिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो सभी टास्क के लिए ये लैपटॉप एकदम ही ज्यादा परफेक्ट है। सो दोस्तों कर लेते हैं लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। वैलोरेंट में 160fps HD देखने को मिल रहा था एंड एकदम बटर स्मूथ गेम प्ले था भाई साहब। एंड CPU वॉटेज वही 33W के अराउंड जा रहा था, लेकिन टेम्परेचर 90° टच कर रहा था भाई साहब, क्योंकि जस्ट हमने गेमिंग करना स्टार्ट किया था। एंड जैसे जैसे आप गेम प्ले करते जाएंगे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, सो इसलिए 144Hz का फील लेके वैलोरेंट गेम प्ले कर पाएंगे। देन सेकंड गेम मैंने प्ले किया GTA 5 द मोस्ट फैन फेवरेट गेम, फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया एंड डिफॉल्ट सेटिंग। एंड भाई साहब यहां पर इजीली 80+FPS देखने को मिल रहा था इन GTA 5 एंड परफॉर्मेंस वाज जस्ट अमेजिंग। एंड टेम्परेचर यहाँ पर 85-87° तक मेंटेन था एंड GPU वॉटेज 33W के अराउंड ही जा रहा था। एंड CPU वॉटेज पे नजर डालो तो 28W के आसपास था। एंड GTA भाई क्या ही बोलूं, एकदम आप बटर स्मूथ प्ले कर पाएंगे। एंड अच्छी बात, अब तो GTA 6 भी आने वाला है। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 इन द फेवर क्वालिटी और DLSS वगैरह टर्न ऑफ था। यहाँ पर इजिली 60+FPS देखने को मिल रहा था इन RDR2 और भाई साहब ये काफी ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है। एंड GPU वॉटेज भी आप देखोगे ना तो यहाँ पर 42W 43W के अराउंड जा रहा था एंड इवन सम कंडीशन में 45W तक भी टच कर रहा था। एंड FPS देखो भाई साहब 60fps बिल्कुल मेंटेन था। एंड टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया, वही बताया ना जैसे जैसे हम गेम प्ले करते जाते हैं टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। एंड GPU यूजर्स भी काफी अच्छा था, 97% तक यूज हो रहा था। एंड ओवरऑल RDR2 में भी कोई भी थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग एंड एकदम सुपर परफॉर्मेंस था, 100+FPS देखने को मिल रहा था इन CS2 एंड GPU भी 90% तक यूज हो पा रहा था एंड वॉटेज भाई 38W के अराउंड था यार। एंड टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल ही कम हो गया, अराउंड 75°C के आसपास। एंड वैलोरेंट CS2 ये थोड़े CPU इंटेंसिव गेम है, दैट्स व्हाई आप देख पाएंगे 72% तक CPU यहाँ पर यूज हो पा रहा था। एंड CS2 भी आप बटर स्मूथ प्ले कर पाएंगे, RTX 2050 का ग्राफिक्स है एंड उससे भी अच्छी बात 144Hz का रिफ्रेश रेट इन HP Victus सीरीज। 3 सेल 52.5 Wh का बैटरी दिया गया है एंड इजिली आप 4-5 घंटे का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और आप एक्सटेंसिव एडिटिंग गेमिंग करेंगे तो 2 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप ये लैपटॉप में नहीं मिलेगा। बाकी 150W का एडाप्टर दिया गया है, इजिली आप अपने लैपटॉप को 1 आवर्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ थर्मल यहाँ पर 2 फैन का मॉड्यूल दिया गया है एंड मैक्सिमम लोग को यहाँ पर दिक्कत थी कि टेम्परेचर काफी रेज हो जाता है, तो हाँ गेमिंग के दौरान 95° तक टेम्परेचर जा रहा था और 100° में तो पानी उबल जाता है। बट अच्छी बात, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एंड ये 85° के अराउंड स्टैंड आउट कर रहा था। सच मेरे को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला इन HP Victus सीरीज। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल वर्डिक्ट ऑफ HP Victus 15 FB1001EX। सो आपको बजट 60,000 के अराउंड है देन डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, और खासकर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ RTX सीरीज का ग्राफिक्स चाहिए, क्योंकि जितने भी HP Victus सीरीज आ रहे थे वो हमको 60,000 के अबव ही देखने को मिल रहा था। सो डेफिनेटली आप जा सकते हैं ये लैपटॉप के साथ, मेरे को ऐसा कोई भी फ्लॉज नहीं लगे ये लैपटॉप में। बाकी HP का तो भरोसा है ही यार मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ खरीद लो भाई। सो आई होप गाइस आपको HP Victus 15 का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।